हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एलबी क्लासेस में, जहां पर आपको हिंदी की सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। अभी तक मेरे पिछले वीडियो में आपने हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने देखा, और उसी क्रम में मैं आपको अब हिंदी काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं एक बार फिर से अपने उन प्रश्नों को जहाँ से हमको हिंदी में 10 अंकों को प्राप्त करना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और मैथिलीशरण गुप्त। तो याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। ये तीनों हमारे छायावादी कवि हैं, लेकिन मैथिलीशरण गुप्त जी हमारे छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर से याद रखिएगा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये तीनों हमारे छायावादी कवि हैं, लेकिन मैथिलीशरण गुप्त हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है जिसे 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। याद रखिएगा, 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी और अज्ञेय। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रयोगवादी कवि हमारे अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। तो याद रखिएगा, कामायनी छायावादी युग की रचना है। छायावादी की रचना कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस को सुपर फास्ट रिवीजन में याद करेंगे हम, फटाफट इसको रिवाइज करेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, उनके काव्यों में कौन सी विशेषताएं होती थी जो रीतिकाल में लिखी जाती थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं, प्रकृति का चित्रण होता था, ईश्वर की वंदना होती थी, युद्धों का सजीव वर्ण होता था, या मुक्तक काव्य रचना उसमें होती थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीतिकाल में मुक्तक काव्य रचना प्रभावी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है, या हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, कुमार रासो का, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी का पहला महाकाव्य है, या ग्रंथ रासो परंपरा का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन देखते रहे। कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, कबीर को दोहों को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, दोहा कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, शाखी कहा जाता है, या पद कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कबीर के दोहों को शाखी के नाम से जाना जाता है, कबीर के दोहों को शाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और हरि औध। याद रखिएगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हमारे अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवधा भक्ति के प्रकार हैं, नवधा भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा, नवधा भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, नवधा भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, साकेत की नायिका है, साकेत की नायिका है, साकेत एक महाकाव्य है जिसकी नायिका है उर्मिला, उर्मिला साकेत की नायिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, या हुंकार पर? तो याद रखिएगा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला, उर्वशी काव्य पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसको? दिनकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिकाल के प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं, भक्तिकाल के प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। चार ऑप्शन, कुंभन दास, दादू दयाल, नंददास और मंझन। तो याद रखिएगा कि भक्तिकाल प्रेमाश्री शाखा के कवि हमारे मंझन जी हैं, मंझन जी हमारे प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, साकेत आपका एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहां से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तुलसीदास, निराला जी, दिनकर जी और मैथिलीशरण गुप्त। सभी लोग जानते हैं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इनमें से चार आपकी रचनाएं दी गई हैं, जिनमें से एक रचना आपकी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो हुंकार आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रश्मि रथी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रेणुका भी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन चित्राधार आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो याद रखिएगा, आपसे तीन क्वेश्चन और आपके तैयार होते हैं कि हुंकार, रश्मि रथी और रेणुका, ये तीनों आपके किस कवि की रचनाएं हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, भूषण, केशव और चंद्र बरदाई। तो मैं बताना चाहूँगा कि सूरदास, भूषण, केशव ये सभी भक्ति काल से संबंधित कवि हैं, लेकिन चंद्र बरदाई जी जो हैं आपके, वो आपके वीर गाथा काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। चार ऑप्शन, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका किस भाषा में है? अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन आपका था कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, आपने पढ़ा तुलसीदास जी, लेकिन ये विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में, मैथिली में, ब्रज में या खड़ी बोली में? तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है भाई? ब्रज भाषा में है। फटाफट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। फास्ट रिविजन का मतलब फास्टी रिविजन, फटाफट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, यानी पृथ्वीराज एक काव्य है जिसमें किस चीज की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है या हास्य रस की प्रधानता है? तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्ति काल का एक जो समय दायरा है, उसके शुक्ल जी ने क्या माना है? तीन ऑप्शन आपके पास हैं, संवत 1000 से संवत 1375 तक, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, संवत 1040 से संवत 1370 तक। तो याद रखिएगा कि जो भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है वो है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय माना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो याद रखिएगा, कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है, वैसे तो मैं बता देता हूं 15 सर्गों में जो है चिंता से लेकर आनंद तक आपका कामायनी महाकाव्य में जो है सर्ग आते हैं, लेकिन जो आपका श्रद्धा सर्ग है वो आपके आशा सर्ग के बाद आता है। किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के बाद आता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? चार ऑप्शन आपके पास है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल या अज्ञेय। तो याद रखिएगा, संसद से सड़क तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे धूमिल जी की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अष्टछाप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा किसी न किसी प्रश्न पत्र में इसको पूछा ही जाया करता है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किस से है, किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो याद रखिएगा कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? यानी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में भूषण का कौन सा ग्रंथ है या वीर रस की कृति है, यानी वो ऐसी कृति है जो वीर रस से भी संबंधित है। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, दोहावली, दान लीला, शिवा बावनी और उद्धव शतक। तो याद रखिएगा कि शिवा बावनी आपकी वीर रस की कृति है और कवि भूषण का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, उर्वशी के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। चार ऑप्शन आपको दिए जरूर गए, आपको जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास और माधवी वर्मा, लेकिन इसमें से सही आंसर आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, याद रखिएगा उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। इसी क्रम में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के रचनाकार हैं,
आदि काल के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नरपत नल, अयोध्या सिंह, केशव दास और नाभादास। तो याद रखिएगा कि आदि काल के रचनाकार नरपत नल हैं, लनपत नल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नई कविता के कवि हैं, नई कविता के कवि कौन है। चार ऑप्शन आपके पास, नरेंद्र शर्मा, आज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर और नाभादास। याद रखिएगा नई कविता के कवि नरेंद्र शर्मा जी हैं, नई कविता के कवि नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी क्रम में देखते हैं, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। छायावादी युग में जो कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखे गए, उनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। चार ऑप्शन आपके पास है, ये भक्ति की प्रधानता होती थी उसमें। दूसरी है यथार्थ का चित्रण होता था, जैसा देखा जाता था वैसा लिखा जाता था, या ईश्वर की भक्ति लिखी जाती थी, या अलंकारों की प्रधानता थी उसमें, अलंकारों से संबंधित काव्य की रचना होती थी, काव्यों में अलंकार की बार बार पुनरावृत्ति पाई जाती थी, या बहुत ज्यादा अलंकार उसमें देखे जाते थे, या प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, जो भी प्रकृति में सुंदरता या प्रकृति के रूप में जो भी देखा जाता था उसके बारे में लिखा जाता था। इन चारों में से छायावाद की मुख्य विशेषता क्या थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो छायावाद की काव्य शैली थी या जो मुख्य विशेषता थी, उसमें प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण को ज्यादातर दिखाया गया है, यानी प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण छायावाद की मुख्य विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा नई कविता का आरंभ 1943 ईस्वी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, जीवनी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की पढ़ी होगी, वहां पर आपको पढ़ने को मिला होगा, लेकिन ये बहुविकल्पी प्रश्नों में चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तुकाराम, आत्माराम, सीताराम और राम बोला। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। क्या बोला था? राम बोला था। अभी बोलने से मत चुकिएगा, बचपन का नाम राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। इन चार ऑप्शंस में मैथिलीशरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा चार ऑप्शन, अनग, भारत भारती, पंचवटी और सिद्धराज में भारत भारती हमारे मैथिलीशरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भिखारीदास कवि हैं, भिखारीदास कवि हैं, कब के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आदि काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। याद रखिएगा कि भिखारीदास जी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें चार में तीन हमारे प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन एक हमारा प्रगतिवादी कवि नहीं है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और त्रिलोचन शास्त्री। तो याद रखिएगा ये नागार्जुन जी, केदारनाथ अग्रवाल जी और केदारनाथ सिंह जी, ये तीनों हमारे प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन त्रिलोचन शास्त्री जी हैं जो हमारे प्रगतिवादी कवि नहीं है। याद रखिएगा त्रिलोचन शास्त्री हमारे प्रगतिवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना नहीं है। सिद्धराज, इत्यलम, अनग और प्रदक्षिणा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में सिद्धराज भी आपकी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, अनग भी आपकी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, प्रदक्षिणा भी आपकी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, लेकिन इत्यलम आपकी ये जी की रचना है, यह आपकी मैथिलीशरण जी की रचना नहीं है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। चार ऑप्शन आपके पास, घनानंद, सेनापति, बिहारी और वृंद। बताना चाहूंगा मैं आपको कि घनानंद जी हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। कौन से? घनानंद जी हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन फटाफट, फास्ट रिवीजन का मतलब फास्ट रिवीजन होता है, फटाफट क्वेश्चंस को देखते रहें, रिवीजन करते रहें, हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको एक नंबर दिला के चला जाए। रुनुक्ता नामक स्थान संबंधित है, रुनुक्ता नामक स्थान किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास है, जयशंकर प्रसाद जी से, निराला जी से, कबीरदास से या सूरदास से। तो याद रखिएगा कि रुनुक्ता नामक शब्द सूरदास जी से संबंधित है, क्योंकि सूरदास जी का जन्म आगरा जिले के रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ था, यानी सूरदास जी रुनुक्ता नामक स्थान से संबंध रखते हैं। फिर से याद रखिएगा, सूरदास जी से संबंधित है, रुनुक्ता नामक स्थान सूरदास जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं कि रीति काल का अन्य कौन सा नाम है, यानी रीति काल को अन्य किस नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, याद रखिएगा कि रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। रीति काल को किस नाम से जानते हैं? श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, फटाफट क्वेश्चन देखते रहिए। निहार कृति है,
निहारकति है, चार ऑप्शन आपके पास, ये शंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रानंद पंत जी की या निराला जी की। याद रखिएगा निहारकति हमारी महादेवी वर्मा जी की कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। याद करने योग्य बातें हैं, फटाफट याद करते रहिए, इसी समय रिवाइज करते रहिए। निहारकति हमारी महादेवी वर्मा जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग लिए गए हैं। कुल 15 सर्गों की इसमें व्याख्यान है, जिसमें चिंता से लेकर आनंद तक लिया गया है। इससे पहले भी कामायनी पर प्रश्न हो चुके हैं, तो याद रखिएगा कि कामायनी महाशाग में सर्गों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितनी है, वो संख्या हमारी 15 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। संत काव्यधारा के कवि नहीं है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें संत काव्यधारा के कवि नहीं है। चार ऑप्शन, कबीरदास, रैदास, कुतबन और दादू दयाल। याद रखिएगा कि कबीरदास जी, रैदास जी और दादू दयाल जी, ये सभी हमारे संत काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन कुतबुन जी हमारे संत काव्यधारा के कवि नहीं है। कुतबुन जी हमारे संत काव्यधारा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य में आदिकाल की रचना नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत और विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली, इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऐसी रचना है जो आदिकाल की रचना नहीं है? तो बताना चाहूंगा कि पद्मावत आपकी आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी पृथ्वीराज राशो, परमाल राशो और विद्यापति पदावली आपकी तीनों आदिकाल की ही रचनाएं हैं, लेकिन पद्मावत आपकी आदिकाल की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक। इससे पहले भी तार सप्तक पर प्रश्न आ चुके हैं, उनका रिवीजन आप कर चुके हैं। फिर से एक बार तार सप्तक की बात होती है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक आपके अज्ञेय जी हैं। कौन है भाई तार सप्तक का संपादक? कौन है तार सप्तक का संपादक? हमारे अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? चलिए, तार सप्तक के संपादक तो आपके अज्ञेय जी हो गए, लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, नरेंद्र मेहता जी, रघुवीर सहाय जी, अज्ञेय जी और मुक्तिबोध। तो याद रखिएगा, जैसे तार सप्तक के संपादक हमारे अज्ञेय जी हैं, वैसे ही प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हमारे अज्ञेय जी ही हैं। याद रखिएगा, अज्ञेय जी ही हमारे तार सप्तक के संपादक भी हैं और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। चार कवियों में ऐसे कौन सा एक कवि है जो राम भक्ति शाखा का नहीं है? तुलसीदास जी आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस राम पर ही लिखी गई कृति है, तो वो आपके तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा कि चतुर्भुजदास जी हमारे राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। चतुर्भुजदास जी हमारे राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसे? चार ऑप्शन, घनानंद जी को, भूषण जी को, केशव को या पद्माकर को। याद रखिएगा कि केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। प्रसाद में शंकर प्रसाद जी का जो काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, या प्रसाद की कृति जिसके नायक मन, यानी ऐसी कौन सी रचना है शंकर प्रसाद जी की जिसके नायक जो है वो मन है? तो चार ऑप्शन के पास, लहरों में, आंसू में, झरना में या कामायनी में। इन चारों काव्य रचनाओं में ऐसी कौन सी रचना है जिसके हीरो मन है? तो आपको पता है कि मन हमारे कामायनी के नायक है, तो याद रखिएगा कामायनी में हमारे नायक मनु है, और जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, शूरसागर, पद्मावत, विशल देवराशो और आंसू। इन चारों में कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी रचना है जो आदिकाल में लिखी गई है? तो याद रखिएगा कि विशल देवराशो आपकी ऐसी रचना है जो आदिकाल की है। किस काल की है? आदिकाल की है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में, फटाफट देखते रहिए। प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है?
प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? चार ऑप्शन कृष्ण भक्ति से है, सरगुण भक्ति से है, निर्गुण भक्ति से है या राम भक्ति से है। तो याद रखिएगा कि प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा का संबंध निर्गुण भक्ति से है। किस भक्ति से है? निर्गुण। साकेत रचना है, साकेत बहुत इंपॉर्टेंट। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, हरिओत की, जयशंकर प्रसाद की और निराला जी की। इन चारों में साकेत किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, आपको पहले से भी ये क्वेश्चन आता होगा कि साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है साकेत? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गंगावतरण के रचयिता हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सेनापति जी या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो याद रखिएगा कि गंगावतरण का संबंध हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से है। किसे है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चार ऑप्शन है, चितंबरा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर या उर्वशी पर। इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी ऐसी रचना थी जिस पर हमारे सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा कि चितंबरा काव्य पर हमारे सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, यानी इन चार रचनाओं में एक ऐसी रचना है जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित किया गया है। चारों ऑप्शन साकेत हो ही नहीं सकती, अभी अभी आप उसको पढ़ गए हैं, पल्लव, प्रिय प्रवास और गीत। तो याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास हमारी एक ऐसी रचना है जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित किया गया है। हमारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, गोरखनाथ जी को, चंद बरदाई जी को, जगनिक जी को या सर हप्पा जी को। तो याद रखिएगा कि सर हप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? सर हप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो का, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी और महादेवी वर्मा जी। तो याद रखिएगा कि भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 62 क्वेश्चंस जिनसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं आपके 24 एग्जाम हिंदी एग्जाम में। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, मिलता रहूंगा और आपकी हिंदी के प्रिपरेशन हिंदी एग्जामिनेशन से पहले कराने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।